गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ आवर साइलेंट लव का नेक्स्ट एपिसोड लेके आई हूँ गाइस। और दिवाली फेस्टिवल आने वाला है, तो उसकी बस शॉपिंग के चलते और थोड़ा सा घर का काम के चलते मैं थोड़ी सी बिजी हूँ गाइस। तो हो सकता है मैं भाई दूज के बाद रेगुलर वीडियोज़ डालना शुरू कर दूँ। अभी थोड़ा सा इररेगुलर हो जाएगा क्योंकि फेस्टिव सीज़न है। तो चलिए आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता था, वी भुजियान और लवांग जी की शादी में सिर्फ 2 हफ्ते रह गए थे और सारे के सारे बंदे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे उनकी शादी को लेकर कि लवांग जी ने तो पूरी लिस्ट बना के रखी थी कि कैसे वो लोग एक 7-स्टार होटल के अंदर अपनी शादी को कुछ ही चुनिंदा लोगों, फैमिली मेम्बर्स को और कुछ ही खास फ्रेंड्स को बुलाकर वो अपनी शादी को अंजाम देंगे, अपनी शादी करेंगे। और वो लोग उसके लिए बहुत बड़ी सी लिस्ट बनाते हैं, जिनमें से उनकी शॉपिंग, उनकी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि हनीमून डेस्टिनेशन के बारे में भी वो सोचते हैं कि वो कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो वांग जी विंग को वेडिंग ड्रेस दिलवाने के लिए एक शॉप पे लेके जाता है। वो लोग अपने लिए एक बहुत प्यारा सा सूट, जो कि दोनों ने एक दूसरे के लिए ब्लैक कलर चूज़ किया था और दोनों ही बहुत स्टनिंग लग रहे थे। वी भुजियान बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है और लवांग जी उसे देखता ही रह जाता है। और लवांग जी की मस्कुलर बॉडी को वी भुजियान बहुत प्यार से निहार रहा होता है। और उन दोनों का लवी टवी कपल देख के वहाँ का जो अल्फा मैनेजर थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और उनका जो असिस्टेंट जो कि बीटा था वो कहता है, व्हाट अ लवली कपल, सच में मैंने ऐसे कपल बिल्कुल कम देखे हैं, बिल्कुल इनकी जोड़ी तो हेवन से बनी हुई है, हेवन से खुद फरमान आया होगा इनकी जोड़ी के लिए। वो लोग यहाँ पर निहार रहे होते हैं और यहाँ हमारे दोनों वांगशन कपल आराम से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं। एक दूसरे के साथ सूट जब वो ट्राई करते हैं तो थोड़ा सा विंग जो है इमोशनल फील करता है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन उसकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आ जाएगा। यहाँ पर वी भुजियान और लंजा तो ट्राई कर ही रहे होते हैं, लंज चन और जंगचा भी आ जाते हैं और वो लोग उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि सच में वांग जी, ये सूट तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है और विंग पे भी, तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ पेयरिंग करके चीज़ें ली हैं और बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। मैं और जो जंगचा है वो सोच रहे हैं कि हम वाइट और ब्लैक की पेयरिंग करें। तो विंग कहता है, हाँ वो भी अच्छा लगेगा अगर आप वाइट एंड ब्लैक की पेयरिंग करते हैं, जैसे हमने ब्लैक एंड वाइट की है, क्योंकि हमने वाइट को कम तर पे रखा है, हमने सिर्फ शर्ट्स जो हैं अपने लिए वाइट चूज़ की हैं, बाकी हमने 3-पीस सूट पूरा ब्लैक चूज़ किया है। तो यहाँ पर हमारे जो जयवजन होते हैं वो कहते हैं, ठीक है मैं वाइट 3-पीस सूट हम लोगों के लिए चूज़ करूँगा और जो शर्ट होगी उसका कलर मैं चूज़ करना चाहूँगा ब्लैक, वैसे भी हम पे अच्छा लगेगा एज अ कपल, हम लोग बहुत बहुत ही ज़्यादा चाहता हूँ कि लाइमलाइट में रहें और दूर से ही पता चल जाए कि ये कपल हैं। और विंग काफ़ी खुश था। वहाँ पर वो जो अल्फ़ा लेडी थी वो जंगचा और लंचन को भी ड्रेस ट्राई करने के लिए देती है। विंग और जो हमारे वांगची होते हैं वो उस ड्रेस को पहन के काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं और उसके बाद वो लोग चेंज करने चले जाते हैं। जब वो लोग चेंज करके बैठे होते हैं सोफे के ऊपर और जंगचा और लंचन अपनी ड्रेस अप को चेंज करने जाते हैं, तब विंग हमारे लवांगची की गोद में बैठा हुआ था। वो दोनों के दोनों ऐसे ही वहाँ पर अपना लवी डवी मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से दूर से एक गोली चलती है जो कि लवांगची से बिल्कुल पास से होके गुजरती है, लेकिन लवांगची को कुछ हार्म नहीं पहुँचता। लेकिन दोनों के दोनों विंग और लवांगची थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं। तभी की तभी लवांगची फ़ोन करता है और वहाँ पर अपनी बॉडीगार्ड की टीम को बुला लेता है। इवन वो लोग बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं कि कोई यहाँ पर उन लोगों पे हमला करने के लिए आया था, लवांगची, और यहाँ तक कि वो जो मैनेजर थी अल्फा और उसका असिस्टेंट वो भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी शॉप में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई गोली चली हो। लेन जिजन और जंगचा जब बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि विंग और वांगची के चेहरे पर कुछ टेंशन है। तभी जयवजन पूछते हैं, क्या हुआ वांगची, तुम्हें क्या हुआ, तुम लोग तो अभी बहुत खुश थे, एकदम से टेंशन में क्यों आ गए हो। तो विंग बताता है कि अभी हमारे यहाँ पर किसी ने गोली चलाई है। लेन चचन एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, वो कहते हैं, क्या यहाँ पर हमारी जान को खतरा है। वो फ़ोन मिलाते हैं और अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स को वहाँ पर बुला लेते हैं उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। लवांग जी कहता है, ब्रदर मैंने भी बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ोन कर दिया है, बहुत जल्दी चीज़ें आती ही होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता अचानक से गोली कहाँ से चली है।
तभी लवंगजी देखता है कि बहुत दूर खड़ा एक स्नाइपर होता है जो कि वहाँ पर गोली चला रहा होता है और उसका टारगेट वो लोग होते हैं। वो फटाफट से लवंगजी जो है वहाँ से भागता है लेंस किचन और विंग को लेके। उन्हें लग रहा था शायद ये जो बंदा है या तो वो लेंस को मारना चाहता है या पहले भी लेंस पे हमले हो चुके हैं। विंग जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है कि लवंगजी और उसमें से किसी को भी, यहाँ तक कि उसके ब्रदर जंगचा या लेंस किचन में से भी किसी को कुछ नहीं हुआ। जंगचा और लेंस किचन अपनी ड्रेस चेंज करते हैं, उन्होंने शादी के लिए ड्रेस फाइनल कर दी थी, लेकिन वो कहते हैं कि हम फिर कभी आ जाएंगे, आज मौका ठीक नहीं है। वो लोग जैसे तैसे करके अंडरग्राउंड वहाँ से निकलते हैं, उनकी सिक्योरिटी टीम भी उन्हें बचाकर वहाँ से ले जाती है। तो वहाँ पर एकदम से लेंस किचन जो है वो चरण को फ़ोन करते हैं और बताते हैं उनके साथ क्या हुआ है। लवंगजी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि हमें अपने बॉडीगार्ड्स के साथ रहना चाहिए और मैं कुछ बॉडीगार्ड्स जियांग्स के लिए भी असाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता उन लोगों का टारगेट मैं हूँ या विंग है या फिर हम चारों में से कोई भी उनका टारगेट हो सकता है और हो भी सकता है कि शायद ये गलती से मिसप्लेस ना हुई हो, वो बंदा हमें अलर्ट करना चाहता हो या फिर वो हमें डराना चाहता हो। विंग थोड़ा सा घबरा गया था तो लंजा उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है विंग तुम डरो मत, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए आज के बाद हम उसे जियांग पैलेस में यानी कि जियांग घर में बुलाकर तुम्हें जो भी चीज़ फिटिंग या फिर कोई भी चीज़ चाहिए तुम घर बैठे ऑर्डर करना और सारी चीज़ें तुम्हारे वहाँ आ जाएंगी। मेरे कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा हैं तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। विंग कहता है मुझे शादी की टेंशन नहीं है लंजा, मुझे टेंशन है कि आखिर कौन है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। जब मैं और तुम एक साल पहले अलग हुए थे तब भी हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और आज भी, ऐसा कौन है जो तुम्हें और मुझे, शायद उसका टारगेट मैं हो सकता हूँ या फिर कहीं वो इंसान वो तो नहीं जो मेरे मदर फादर को नुकसान पहुंचा रहा है। लंजा कहता है तुम घबराओ मत और इस इंसान का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज़ विंग डरना छोड़ दो। और वो विंग को टाइटली हक कर लेता है और कहता है मैं इस इंसान को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो अपने कुछ कॉन्टेक्ट से पता लगाता है और उस स्नाइपर के बारे में पता करता है कि वो आखिर है कौन और उसका पता निकलने के बाद जो लवंगजी के लोग थे उन्होंने उस आदमी को जान से मार डाला था जिसे लवंगजी को शूट करने का ऑर्डर मिला था। यहाँ पर वो अननोन बंदा जो कि विंग को पसंद करके लवंगजी को मरवाना चाहता था और जिसे कंफर्म हो गया था विंग और लवंगजी डेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो एक वेडिंग ड्रेस के स्टोर में गए हैं वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करने के लिए, तो वो समझ गया था कि शायद यहाँ पर प्लानिंग चल रही है विंग और लवंगजी की शादी की। वो एक प्लान बनाता है जिसके तहत वो विंग को किडनैप करना चाहता था और विंग को किडनैप करके वो उसे मार्क करके अपना ओमेगा बनाना चाहता था। यहाँ पर वो आदमी बहुत ट्राई करता है लेकिन लवंगजी ने जियांग्स के घर के बाहर दुगनी तिगनी जो है सिक्योरिटी कर दी थी। घर से बाहर मैडम यू और जंगचा ही जाया करते थे, जियांग फेमिया ही जाया करते थे जंगचा यानली और वी वुजियन के लिए। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी तैनात थी, उनको जो भी शॉपिंग करनी थी हर चीज़ उनके घर पे आ जाती थी और लेंस हर चीज़ टाइम टू टाइम उनके घर पे पहुंचा दिया करते थे। उनकी शादी एक 7-स्टार होटल में होने वाली थी जहाँ की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी लवंगजी ने अपने सिक्योरिटी अदारे को दी हुई थी, जिस कंपनी में वो सिक्योरिटी एजेंसी का काम कर रहे थे वहाँ पर सारी सिक्योरिटी उन्होंने अपनी शादी वाले दिन के लिए लगा दी होती है। और ऐसे करते करते 2 हफ्ते बीत जाते हैं और लवंगजी वी वुजियन की शादी का दिन आ जाता है। यहाँ पर लवंगजी पूरी सिक्योरिटी के साथ कम से कम 20 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है ताकि किसी को पता ना चले कि विंग और जंगचा किस गाड़ी में हैं। उन्हें लेने खुद लैंड ब्रदर्स आते हैं अपने अपने ओमेगास को सीक्रेटली अपने अपने घर की गाड़ियों में से वो लोग लेके जाते हैं और प्रोटेक्टली 7-स्टार होटल में पहुँचते हैं। 7-स्टार होटल में वो मिस्टीरियस पर्सन घुसने की पूरी कोशिश करता है कि वो विंग को किडनैप करके उसे अपना बना ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी लवंगजी ने बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे की रखी हुई थी, वो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी। और वहाँ पर लवंगजी वी वुजियन जंगचा और लेंस किचन की शादी होती है। शादी में थोड़े से सारे लोग नर्वस थे लेकिन उसके बाद जब सिक्योरिटी का कोई थ्रेट नहीं होता तो लवंगजी के बंदे उसे इन्फॉर्म करते हैं। लवंगजी और विंग की बहुत अच्छे तरीके से शादी होती है। जंगचा और लेंस किचन की भी वो लोग
अपनी अपनी वॉव्स लेने के बाद वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं और वहाँ पर सारे लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे। मैडम यू काफ़ी इमोशनल थी क्योंकि उनके तीनों बच्चों की आज शादी हो रही थी। जियांग यानली को भी जिस गाड़ी में वांगशन हमारे गए थे उस गाड़ी में आगे जियांग यानली भी उनके शूटर के साथ बैठी हुई थी अपनी ब्राइडल ड्रेस में, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। जिन जिशुन वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था उनके साथ शादी की वो ड्रेस में, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। जिन जिशुन ऐसा बंदा था जिसने वहाँ पर, जिन जिशुन ने 3-piece सूट ना पहन के सिर्फ कोट पैंट और वाइट शर्ट पहनी हुई थी जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। और लेकिन लेंस के टक्कर का कोई भी नहीं था, लेंस बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे थे। जियांग ब्रदर्स भी काफ़ी ज़्यादा कैरिज्मेटिक लग रहे थे और उनकी पर्सनालिटी बहुत यूनिक लग रही थी। सारे के सारे इतने ब्यूटीफुल कपल को एडोर कर रहे होते हैं, लेकिन एक कोने में बैठा जिन जिशुन बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था। उसने वी विजन की शादी की इमेज क्लिक करके उस मिस्टीरियस पर्सन को भेजी जो कि वी विजन को मैरिड होते देख उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो वी विजन को चुरा ले और लवांगजी को जान से मार दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। लवांगजी ने यहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट की हुई थी कि ना ही कोई यहाँ पर अंदर आ सकता था और ना ही कोई यहाँ पर बाहर जा सकता था। और लवांगजी ने एक हफ्ते पहले ही पूरा का पूरा जो 7-star होटल था उसे पूरा का पूरा बुक कर दिया था ताकि एक हफ्ते में ना ही अंदर कोई आ सकता है और ना ही कोई वहाँ से बाहर जा सकता था। स्टाफ भी पिछले एक हफ्ते से अपने घर नहीं गए हुए थे, वो वहीं स्टे करते थे और उनकी पूरी चेकिंग हो चुकी थी, हर चीज़ की चेकिंग हुई हुई थी। कोई भी अनवांटेड हथियार वहाँ पर नहीं आ सकता था और बड़ी सिक्योरिटी से उन लोगों की शादी होती है। और फिर हमारे लंचचन जो कि बहुत क्यूट थे, वो जंगचक को अपनी गोद में उठाते हैं और अपने अपने क्वार्टर की तरफ चले जाते हैं, अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। लवांगची और वी विजयन जो कि सबके साथ डांस करते हैं, खाना खाते हैं। यहाँ पर जंगचक को थोड़ी सी सिकनेस सी फील हो रही थी तो जेवजन उसे बाहों में भर के ले गए। जिन जिशुन और यानली भी धीरे धीरे वहाँ से गायब हो जाते हैं। सिर्फ वी विजन और वांगची थे जो कि कभी सेक्सुअली एक्टिव नहीं थे और वहाँ पर वो सबके सामने काफ़ी शर्मा रहे होते हैं। वी विजन को तो घबराहट हो रही थी, एक दिन पहले तो उसे पॉर्न भी दिखाई गई थी कि आखिर दो एक अल्फा और एक ओमेगा के बीच में कैसे सब चीज़ें होती हैं। और जंगचा ने उसे सारी चीज़ें बताई हुई थी। वी विजन तो घबरा भी रहा था कि कैसे वो इधर से गायब हो जाए और क्या सारी चीज़ें, उन दोनों के बीच में अगर इंटिमेसी हुई तो क्या उसे पेन होगा। वो बहुत सारी चीज़ें उसके मन में चल रही थी। तभी मैडम ये उसके पास आती है और कहती हैं, देखो ना जंगचा और जियांग याली दोनों के दोनों अपने पति के साथ गायब हो गए हैं, अपने रूम में चले गए हैं, लेकिन तुम और लंजा तुम दोनों क्यों नहीं जा रहे। तो वी विजन ब्लश करते हुए कहता है, वो मैं तो वो हंसते हुए कहती हैं, मतलब तुम दोनों के बीच में अभी तक कोई इंटिमेसी नहीं हुई है। तो वी विजन शर्माते हुए नोट करता है और कहता है, वो हम लोगों ने सोचा था कि शादी के बाद। तो वो हंसते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं, अब तुम्हें और लंजा को यहाँ से जाना चाहिए, हम बड़े बड़े यहाँ पर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक पुराना वक्त इंजॉय करेंगे, तुम बच्चे यहाँ बोर हो जाओगे, जाओ तुम। यहाँ पर विंग थोड़ा सा घबरा रहा था, लहन शिजुई देख रहा था। लहन शिजुई को विंग वैसे भी बहुत क्यूट लगता था और यहाँ उसका बॉयफ्रेंड लहन जिंगी भी आया हुआ था। लहन जिंगी लहन शिजुई से कहता है, आज तो लगता है तुम्हारे ब्रदर की और विंग की दोनों की वर्जिनिटी जाने वाली है। मेरा दिल है कि तुम और मैं भी। तो शिजुई उसके जो पैर होता है उस पर पैर रख देता है और कहता है, चुप करो, यहाँ पर अंकल भी हैं ब्रदर भी हैं, तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। लहन जिंगी अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, वैसे आज तुम्हारा फर्स्ट लव फर्स्ट क्रश तुम्हारे भाई के हाथों बीसली उस पर बहुत सारा प्रभाव पड़ने वाला है और वो अपनी वर्जिनिटी लूज करने वाला है। मैं 2 मिनट का साइलेंट रखना चाहूँगा वी विजन की वर्जिनिटी के लिए। तो लेंच से कहता है, बकवास मत करो, आज के बाद वो मेरा ब्रदर इन लॉ है और मैं ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं सोचता अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में। जिंगी कहता है, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है। लेंच से कहता है, चुप करो, बकवास मत करो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना, तुम मेरी फैमिली के अंदर फैमिली फंक्शन में आए हो और तुम ये सब गंदी गंदी बातें कर रहे हो। लेंच जिंगी कहते हैं, ओह मैं गंदी बातें कर रहा हूँ क्या, ये दुनिया का सच नहीं है।
यहाँ पर लवांगजी भी थोड़ा पसीना पसीना होया हुआ था और वो विभूषण के साथ जैसे तैसे उसे मैडम यू और बाकी सारे लोग टीस कर करके विंग के साथ उसके रूम में जाने के लिए कहते हैं। लवांगजी और विंग धीरे धीरे, लवांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और वो अपने अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं। दोनों के गले सूखे हुए थे, मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी और दोनों को ही नहीं पता था कि अब वो एक दूसरे को कैसे फेस करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी वाला पल था ये। पेट में इतनी सारी बटरफ्लाई घूम रही थी और उन्हें नहीं पता था कि वो एक दूसरे को कैसे अप्रोच करें। हालांकि उन्होंने बहुत बार एक दूसरे को किस किया है, बट ऑफिशली सबको पता है कि अब वो क्या करने के लिए जा रहे हैं रूम में। ये सुन के तो विंग का दिल गदगद हो रहा था, गुदगुदी हो रही थी दिल में, उसे घबराहट हो रही थी कि आज के बाद सबको पता चल जाएगा कि वो और वांगची रूम में क्या करने गए थे और दोनों के बीच क्या हुआ है। उसे ये सोच सोच के ही उसके चेहरे पे ब्लश और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था और उसे बहुत अजीब सी पेट में गुदगुदी फील हो रही थी कि आज के बाद सबको पता चल जाएगा कि वो और लवांगची उन दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और मतलब बहुत सारे सवाल जवाब उसके दिल में थे कि वो कैसे फेस करेगा अपने अंकल को, जंगछा को। और फिर उसे याद आता है कि जंगछा तो ऑलरेडी सारी चीज़ें कर चुका है और उसकी शिजे भी यहाँ से गायब हो गई हैं। तभी लवांगची जो है विंग को कहता है, विंग विंग लवांगची की तरफ देखता है। लवांगजी कहता है वो मैं जल्दी जल्दी में प्रिकॉशंस लाना भूल गया। विंग का चेहरा और ज़्यादा टमाटर जैसा हो जाता है। गाइस हेडफोन्स लगा लीजिए, विंग का चेहरा और भी ज़्यादा टमाटर जैसा हो जाता है और विंग लवांगजी की आंखों में पपी आइज बनाकर देखता है और उसे नहीं पता था वो क्या बोले, क्या वो ये कहे कि नहीं नहीं लंजा जाओ जाओ अभी जाके कॉन्डम लेके आओ, या फिर वो ये कहे कि नहीं नहीं अभी तो हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होने वाला, या फिर वो बिल्कुल शेमलेस ओमेगा की तरह कहे कोई बात नहीं बेबी जो होगा देखा जाएगा। वो बेचारा तो असमंजस दुविधा में पड़ चुका था। वो जैसे तैसे रूम की तरफ बढ़ते हैं और सामने रूम था, दोनों में से दोनों ही दोनों सोच रहे थे कि रूम कौन खोलेगा, क्योंकि दोनों की दोनों के गले सूख गए थे, हाथों पैरों की मूवमेंट स्टिफ हो चुकी थी और उनको इतने ज़्यादा पसीने आ रहे थे पूरे, जाकि जबकि वहाँ पे सारी जगह एसी चल रहे थे लेकिन उनके चेहरे पे पसीने थे। और वो धीरे से लवांगजी ही इनिशिएटिव लेता है और विंग एकदम शर्मीली दुल्हन की तरह लग रहा था। लवांगजी गेट खोलता है और कहता है विंग तुम पहले। जैसे ही विंग अंदर जाता है वो देखता है पूरा रूम गुलाब की पंखुड़ियों से सजा हुआ था और ये सारी चीज़ों का आइडिया लेन शिचेन का था। उन्होंने तीनों जो ग्रूम्स के रूम थे, आई मीन मैरिड न्यू कपल्स के रूम थे, वो बिल्कुल बहुत फैंटास्टिक तरीके से सजाए हुए थे। वो जैसे ही अंदर कदम रखते हैं लाइट्स ऑन हो जाती हैं जो कि सेंसर से थी और वो इतनी ब्यूटीफुल सॉफ्ट वार्म्स लाइट थी। पूरे कमरे में हल्की हल्की धीमी धीमी अरोमा कैंडल्स की खुशबू थी और वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा इंसेंस बर्नर था जिसकी खुशबू इतनी इतनी अच्छी कि सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल अरोसल को वो बहुत ज़्यादा 100 times हिट कर दे। और रूम में इतना अच्छा, इतना मतलब पीसफुल एम्बियंस था कि मतलब अंदर कदम रखते ही विंग को इतना अच्छा लग रहा था। लवांगची भी जब देखता है उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। पूरा एक रास्ता गुलाब की पंखुड़े से बना हुआ था। बेड चैम्बर बहुत ज़्यादा फूलों से डेकोरेटेड था और ऐसा लग रहा था जैसे फूलों के ही पर्दे बन गए हों, क्योंकि बेड चैम्बर में हर जगह फूल थे, पेटल्स थे। और वहाँ पर एक साइड में बहुत प्यारा सा टाल से यानी कि चावल से उन्होंने दो हंसों का जोड़ा बनाकर उनके बीच में कॉन्डम्स रखे हुए थे, जो कि देखकर विभूषण और लवांगजी दोनों ही घबरा जाते हैं। और लवांगजी कहता है ये नॉनसेंस यहाँ किसने रख दी, और वो चुपचाप जाके उस कॉन्डम को छुपा लेता है अपनी जेब में। विंग जो कि वहाँ ब्लश भी कर रहा था और स्माइल भी, विंग कहता है लंजा क्या तुमने इतने ब्यूटीफुली इस रूम को डेकोरेट किया है। लवांगजी कहता है नहीं मैंने नहीं किया ये सब, ये मुझे लगता है लेन शिजु या फिर ब्रदर का आइडिया था। विंग कहता है तुम्हारे ब्रदर कितना रोमांटिक है, वाओ। लवांगजी कहता है व्हाट डू यू मीन बाय वाओ, मैं सारी सिक्योरिटी को हैंडल कर रहा था और मैं इस चक्कर में भूल ही गया कि हमें रूम भी सजाना है। और ब्रदर तुम्हें पता है वो इन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, क्योंकि
वो और तुम्हारे ब्रदर बहुत बार इंटीमेट हो चुके हैं, तो उन्हें पता है कि क्या प्रॉप यूज़ करने हैं और क्या चीज़ें यूज़ नहीं करनी। विंक हंसता है और शर्माता है और कहता है, ओ माय गॉड लंजा, तुम भी ना कैसी बातें कर रहे हो। और अगर वो एक्सपीरियंस्ड है तो बहुत अच्छी बात है, जब तुम एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तो तुम लंच उस वीक के टाइम पे उसके लिए रूम सजा सकते हो। तो लवांग जी कहता है, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, तुम्हारे और मेरी तरह नहीं कि शादी का वेट करें। विंक हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि लैन शिजुई तुमसे पहले अपनी वर्जिनिटी खो देगा। लवांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, शायद। और विभूषण हंसते हुए कहता है, कितने पर्वर्ट हो तुम। हाँ, और तभी तभी विभूषण लंजा की तरफ देखता है। लंजा विंग के करीब आता है और विंग को अपनी बाहों में भर के कहता है, विंग आज के बाद तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मेरी वाइफ हो, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैं तुम्हें एक बार फिर से कहूँ, मेरी वाइफ, माय वाइफ। और ये सुनते ही विंग एकदम से बोल पड़ता है, माय हस्बैंड, ओनली माय हस्बैंड। विंग जैसे ही ये बोलता है, लवांची को बहुत अच्छा लगता है और वो उसके माथे को चूम लेता है। विंग बहुत प्यारा लग रहा था और उस कमरे का जो खुशबू थी वो उन दोनों के सेंट के साथ मिलकर बहुत ब्यूटीफुल खुशबू, इतना ज़्यादा उनके बीच में अरोमा था हर चीज़ का कि वो उनके प्यार को हज़ार गुना बढ़ा रहा था। और तभी लवांची विंग का चेहरा अपनी फिंगर टिप से उठाता है और उसके होठों को, जो कि गुलाबी सर्क एकदम गुलाब की पंखुड़े जैसे लग रहे थे, उस पर किस करता है। दोनों के दोनों पहले बेबी किसेस करते हैं और फिर एक डीप स्मूच में वो किस बदल जाती है। वो किस इतनी ज़्यादा गहरी होती है कि दोनों को पता ही नहीं चलता, दोनों एक दूसरे को अपने अपने मुंह से किस कर रहे होते हैं, लिप्स लिप्स के अंदर होते हैं, टंग एक दूसरे के साथ लड़ रही होती हैं, और वो टंग की जो बैटल थी वो उनके किस को बहुत ज़्यादा डीप बना देती है। दोनों को पता ही नहीं चलता कि किस करते करते दोनों की सांसें कब थम गई थी। दोनों की सांसें दोनों के चेहरे के एकदम करीब होने की वजह से दोनों को सांस ही नहीं आ रही थी और दोनों हाँफने लगते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ये उनकी बहुत परफेक्ट डीप किस थी जो उन्होंने आज शेयर की थी। और सच में ये किस करने के बाद विंग के चेहरे पे एक अलग सी स्माइल थी, क्योंकि लंजा आज उसका था और लवांगची का चेहरा तो वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल था, और इस किस के बाद उसका थोड़ा सा लुक मैसी हो चुका था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, एक चुप्पी थी, एक खामोशी थी। तभी वहाँ पर एकदम से साउंड सिस्टम में बहुत प्यारा सा पियानो की धुन बजने लगती है, जो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत सोल कालमिंग थी। और वो सारे के सारे उस सोल कामिंग ट्यून को सुनते हैं। वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा अरोस्ट हो चुके थे और वांग जी फिर से विंग की लिप्स को अपने लिप्स में जोड़ लेता है, किस करने लगता है। और धीरे धीरे उसका एक हाथ विंग के जो थ्री पीस सूट था उसके फ्रंट के जो मतलब सबसे ऊपर लेयर थी उस कोट को उतारने लगता है। विंग का हाथ भी लवांगची के कोट को खोलने लगता है। जिसको भी रोमांस के चीज़ों के डिस्क्रिप्शन से प्रॉब्लम है वो यहाँ से स्किप कर सकता है गाइस। तो हम अपने रोमांटिक पार्ट को शुरू करते हैं फिर से। यहाँ पर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के जो उन्होंने कोट पहने हुए थे उन्हें उतारते हैं और उसके बाद एक दूसरे के वेस्ट कोट को खोलने लगते हैं। यहाँ पर विंग और वांगची अभी भी किस कर रहे थे, दोनों की आंखें एकदम बंद थी और दोनों इस किस को लिटरली फील करना चाहते थे। बहुत डीप प्यारी किस थी ये। और उसके बाद दोनों सिर्फ शर्ट में होते हैं। वांगची बहुत सेक्सी तरीके से अपने कफलिंग्स को खोलते हुए अपनी शर्ट को फोल्ड करता है, अपनी आस्तियों को चढ़ाता है, जिसे देखने के बाद विंग उसे देखता ही रह जाता है। वांगची के मैसी हेयर्स बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे और विंग एक ही नज़र उसे देखता रहता है। और धीरे से विंग भी अपनी शर्ट को सेक्सीली तरीके से खोलता है और विंग की फ्रंट जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा फ्रजाइल, कोमल और सॉफ्ट थी, बहुत सेक्सी। थिन सी उसकी जो वेस्ट थी और उसकी चेस्ट मिल्की वाइट थी, जिसे देखने के बाद लवांगची का मुंह खुला रह जाता है। और फिर लवांगची कहता है, ओह ऐसी बात है। लवांगची भी स्टाइल से अपनी अपनी शर्ट के एक एक बटन को धीरे धीरे टॉप से लेकर बॉटम तक खोलता है। अपनी शर्ट को वो
अपने ट्राउज़र्स में से खींच के निकाल देता है जो कि टकिन हुई हुई थी, और उसके बाद वो अपनी शर्ट को एक साइड में फ्रंट से खोल देता है। और यहाँ पर विंग उसकी एब्स को देख सकता था, उसकी उस मस्कुलिन बॉडी को देख सकता था, और उसकी बॉडी बहुत सेक्सी लग रही थी उस लाइट्स में। विंग धीरे धीरे उसकी एब्स को टच करता है और लवांगची विंग की नेक एरिया को टच करता है। दोनों के दोनों में बहुत अलग सी आग लग चुकी थी। उसके बाद लवांगची विंग की नेक को किस करता है, विंग भी लवांगची की चेस्ट को बाइट करता है, और दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ लव मेकिंग शुरू कर देते हैं। विंग जो कि अरोज से पागल हो चुका था, लवांगची एक झटके में खींच के उसकी शर्ट ज़मीन पर फेंक देता है। विंग भी लवांगची के साथ यही करता है, वो भी उसकी शर्ट को एक झटके में ज़मीन पर फेंक देता है। फिर वांगची विंग को खींच कर तब दीवार की तरफ पुश करता है, और विंग का चेहरा उसकी तरफ था। लवांगची धीरे धीरे उसकी नेक से होते हुए उसे किस करता है उसकी चेस्ट पे, और उसकी चेस्ट को किस करता है, सक करता है। धीरे धीरे वो उसकी टमी नेवल साइड पे आने लगता है और वहाँ पर भी किस करता है, और विंग को कहता है, विंग एक दिन यहाँ मेरा बेबी तुम्हारे अंदर होगा। विंग जो कि और ज़्यादा शर्मा जाता है, वो लंजा के बालों को कस के पकड़ लेता है और उसे अपनी नेवल पे किस करने के लिए मजबूर कर देता है। लवांगची फिर उठ के खड़ा होता है, वो विंग के ट्राउज़र्स को खोल देता है और अपने ट्राउज़र्स को भी। फिर वो धीरे से लवांगची विंग को बेड पे पुश करता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आते हैं, दोनों धीरे धीरे अपने ट्राउज़र्स निकाल देते हैं और अपने अंडरगारमेंट्स भी, और उसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ न्यूड होते हैं। विंग जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी शर्म से, लवांगची कहता है, विंग मेरी तरफ देखो ना। विंग मना कर देता है। लवांगची कहता है, विंग अगर तुम मेरी तरफ नहीं देखोगे तो मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा जब तक तुम मेरी तरफ नहीं देखते, लेकिन अगर तुम मेरी तरफ देखोगे तो हम रोमांस बहुत अच्छे से करेंगे, देखो ना मेरी तरफ। विंग शर्मा कर कोशिश करता है पर उससे आँखें नहीं खुल पाती। लवांगची धीरे धीरे विंग को सड्यूस करने लगता है, वो विंग के प्राइवेट पार्ट्स को तैयार करने लगता है और खुद के भी, और यहाँ पर विंग भी पांगची धीरे से विंग का हाथ अपनी बॉडी के उस प्राइवेट पार्ट पे ले जाता है। जिसे टच करते हैं विंग की आंखें एकदम से खुल जाती हैं और वो शॉक्ड हो जाता है। वांगची कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं, वो मैंने पहली बार किसी अल्फा के बॉडी पार्ट को उस पार्ट को टच किया। वांगजी हंसते हुए कहता है, तो क्या हुआ, हम दोनों मेल हैं, तुम ओमेगा हो, मैं अल्फा हूँ, और डोंट वरी तुम्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी। वो धीरे से विंग की लेग्स को ओपन करता है और उसके बाद वो अपना काम शुरू कर देता है। दोनों के बीच में धीरे धीरे सेक्स होना स्टार्ट होता है। वांगची ऑयल का इस्तेमाल करता है, पास में ल्यूब भी रखा हुआ था उसका भी यूज़ करता है। विंग जो कि थोड़ा घबराया हुआ था जब वांगची पहली बार उसके साथ सेक्स करता है, सेक्स करने की कोशिश कर रहा होता है, तो विंग को बहुत दर्द होता है। तब वांगची विंग के एक्सप्रेशंस देख के थोड़ी देर रुक जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि विंग काम हो चुका, वो अपने काम को फिर से शुरू करता है। धीरे धीरे वक्त लगता है, लेकिन विंग को सेक्सुअल एक्टिविटी की उस रात आदत हो रही थी। ल्यूब ने अपना काम परफेक्टली किया हुआ था जिससे विंग को कम दर्द हो रहा था, लेकिन फाइनली उन दोनों के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती है। दोनों की आवाज़ें पूरे होटल रूम में शोर मचा रही थी। वहाँ पर विंग जिसे पेन हो रहा था और सेक्स करते हुए उसे एक अजीब सी एक खुशी थी और एक संतुष्टि थी कि अब लंजा उसका है, उसे उसका प्यार मिल गया जिसे उससे कोई नहीं छीन सकता। और इसी टाइम में उसे दर्द भी हो रहा था क्योंकि वो वर्जन था। लवांगची को भी दर्द हो रहा था। विंग के आंसुओं को वो किस करता है, लेकिन वो दोनों वो विंग की टांगों को अपनी शोल्डर पे रखकर डीप सेक्स करता है। विंग को उससे और ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन वांगची जब भी विंग को दर्द होता था धीरे से रुक जाया करता था। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डीप रोमांस होता है। विंग का फर्स्ट टाइम था और वांगची का भी। दोनों के दोनों सेंट एक दूसरे में ऐसे लीन हो गए थे।
थोड़ी देर बाद विंग को पता ही नहीं चला कि उसका दर्द कैसे छुमंतर हो गया और वो सेक्सुअल एक्टिविटी को धीरे धीरे जो उसका पेन था वो प्लेजर में बदलता है और वो एंजॉय करने लगता है और दोनों सेक्सुअल एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं। उस रात उन्होंने 3 राउंड सेक्स किया होता है और लोवांगची ने कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं किया होता, यहाँ तक कि उसने अपने चीज़ों को रिलीज भी विंग के अंदर किया होता है। उसे पता था कि इससे विंग प्रेग्नेंट हो सकता है लेकिन वो मन में सोचता है कि इतनी जल्दी थोड़ी कोई प्रेग्नेंट होगा और वो ये चीज़ सोचे बिना ही विंग के अंदर ही रिलीज़ कर देता है। दोनों 3रे राउंड के बाद तो विंग की पूरी बॉडी टूट चुकी थी, उसकी लोअर बॉडी और हिप्स में इतना पेन होता है। वो लवांची को कहता है, अगर अब तुम मेरे पास आए ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा लंजा। लंजा कहता है, विंग थोड़ा सा हमें खुद को क्लीन कर लेना चाहिए। विंग कहता है, मुझ पर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। वांगची उसे अपनी गोद में उठाता है, वो शावर में जाता है जो कि ऑलरेडी वहाँ पर टेम्परेचर सेट था कि अगर हमने लेफ्ट किया तो गर्म पानी आएगा, बीच में किया तो मिडल में नॉर्मल पानी आएगा और साइड में किया तो ठंडा पानी आएगा। तो वांगची जो है वो ल्यूकवॉर्म वाटर से दोनों की बॉडी को अच्छे से क्लीन करता है और विंग की बॉडी को अच्छे से साफ कर देता है। वो उसके पार्ट्स के लिए यूज़ भी करता है ऐसे सोप को जिससे उन्हें इन्फेक्शन ना हो। और वो उसके बाद जब बेड चैम्बर में आता है तो विंग को थोड़ी सी दवाई लगा देता है ताकि विंग को जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाए और विंग जो है उसे ज़्यादा पेन ना हो। विंग भी वांगची को हग करके कजल करके उसकी बाहों में सो जाता है। और गाइस आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच फॉर बाय।